हेलो एवरीवन, आई डोंट नो कौन सा डे चल रहा है। वेलकम बैक टू आवर डेली व्लॉग। और यहाँ पे डायरेक्टली जिस बेड पे हम सोते हैं वहाँ पे धूप आती है। सुबह सुबह उठते ही धूप पड़ जाती है। उठ जाओ, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइट आ रही है मुँह पे। तो धूप के साथ अभी सिर्फ क्या बज 8 बजे, ऐसी धूप और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी सुबह हो चुकी है। जैसे दिल्ली के हिसाब से 10, 10:30, 11 बजे ऐसी धूप लगती है कभी कभी, लेकिन अभी यहाँ पे इतनी जल्दी सुबह हो जाती है ना, और इतनी जल्दी धूप आ जाती है कि पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात नॉन स्टॉप बारिश हुई है। इतनी ज़्यादा बारिश थी कि बोल भी नहीं सकते कि इतनी तो मैंने देखी नहीं आज तक। तो इतनी ज़्यादा बारिश के बाद भी सुबह उठ के इतना अच्छा सूरज, अनएक्सपेक्टेड। हाँ, इसको हिमाचल कहते हैं मैम। रात को बारिश, सुबह सूरज निकल जा रहा है। अभी कुछ नहीं पता सूरज कितनी देर के लिए निकला, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही आसार चल रहे हैं। थोड़ी देर में बारिश हो जा रही है, थोड़ी देर में सूरज आ जा रहा है, थोड़ी देर में बारिश हो जा रही है। तो हो सकता है थोड़ी देर में फिर से बारिश आ जाए, अगर मौसम का मूड बन गया तो। सब कुछ मूड पर चल रहा है यहाँ पर। कल जो हम गए थे मामा के घर से आए थे, तो रास्ते में तो बहुत ज़्यादा हमें ओवर चीज़ें मिली हैं। मतलब उसको देखने के बाद तो मैं भी सजेस्ट करूँगी कोई हिमाचल मत आओ अभी। कहाँ पे कौन सा रोड गिरा हुआ है कुछ नहीं पता है। एंड आज हम दिखाएंगे आपको हमारे हिमाचल वाले घर से व्लॉगिंग। अभी सचिन सो रहा है, सचिन उठ के जाएगा, ब्रेड लेके आएगा, एंड आज हम खाएंगे। मम्मी क्या खाने वाले हम? देखते हैं, ब्रेड मिलेगी तो मिल जाएगी, रोड बन मारे झाड़ू। और यहाँ पे भी हमें एक झाड़ू मारना बर्डी मिला हुआ है। हटी नहीं रहा, बर्डी काटता है इसलिए हम इसके पास नहीं जाते हैं। नाम क्या है इसका? बिस्कुट दो इसको, उधर चला जाएगा। बिस्किट कहाँ है? देख रहा है हमें, इसे यहाँ से ही लाना था। मम्मी मार लो इसकी जगह पे थोड़ा सा। सो हमने खिला दिया इसको बिस्किट, और हमें ताईजी ने बताया था कि ये काटता है, तो हमने सोचा है हम इससे दोस्ती करेंगे। क्योंकि जब से हम बड़ी से मिले हैं ना, मेरे को खासकर कुत्तों का पता लग गया है कि जब आप कुछ नहीं बोलोगे तो वो कुछ नहीं बोलेगा। खैर, बड़ी की ब्रीड ऐसी है कि बड़ी बहुत ही ज़्यादा वो रहता है, फ्रेंडली नेचर रहता है उसका, तो उनकी ब्रीड ही वैसी है। लेकिन ये ब्रीड वैसी नहीं है, ये काटता भी है। तो हम धीरे धीरे इसको दोस्त बनाएंगे जब तक हम आए। एंड हमने अभी इस घर पे कोई पेंट वेंट नहीं करवाया, कोई काम ज़्यादा नहीं करवाया, क्योंकि हम यहाँ रहते ही नहीं हैं। हमने सिर्फ लॉकडाउन में बनवाया था इसे, क्योंकि दिल्ली से यहाँ आने के लिए हमें कोई एक घर चाहिए था, तो हमने तब इसको पूरा खड़ा कर दिया था। तो तब से लेके अब तक हम बहुत ही रेयर ओकेजन्स पे आते हैं, जैसे किसी की शादी है, जैसे इस बार भी नानी की चबरसी का कुछ प्रोग्राम था मामा के घर पर, तो आए। रेस्ट ऑफ हम यहाँ आते ही नहीं हैं। तो अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि अब इसको पूरा बना देते हैं। द पॉइंट इज़ मम्मी पापा कहते हैं कि हमें यहीं रहना है, तो कुछ टाइम बाद वो हो सकता है मम्मी पापा यहाँ रहना स्टार्ट हो जाएं। तो अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम इसको थोड़े टाइम में अब इसको बना देते हैं धीरे धीरे आके। तो दिल्ली से यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं आ सकते, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम गैप में हम आ सकते हैं कोई ना कोई बंदा। तो आके उसको बना देते हैं। इस बार हम थोड़ा सा काम करवा के जाएंगे, तभी सचिन को उठाते हैं। तो फाइनली हम जा रहे हैं ब्रेड लेने एंड कुछ एक दो सामान। मैं दिखा देती हूँ, ठीक है? और सचिन को देती हूँ। इतना तैयार हो गया है, नहाया नहीं है, लेकिन नहाया हुआ लग रहा है। ये प्यार नॉर्मल है, ये तो इनका नॉर्मल होगा भाई, हमारा नॉर्मल तो नहीं है। आ गया। और इतना अच्छा लग रहा है यार, कोई कह सकता है रात को इतनी बारिश हुई है? गांव से ही, गांव से है, देखो गांव से ही उग गई है बारिश। इतना प्यारा लग रहा है, बट ओ देखो वो क्या है मुझे बता।
वो है भाई ज्वाला जी। हाँ जरूरी, वो ज्वाला जी, वो ज्वाला जी की पहाड़ियाँ हैं और इस तरफ तो तेरे को बड़ा पता, ये तो नीचे वाला तो थुरली है। तो गाइस एक बार तो सचिन फिसल चुका है, बहुत गंदा, पता नहीं क्या होगा, बहुत आराम से चल रहे हैं, होपफुली बस कुछ ना कर ले तो। लेकिन कैसा लगा फिसल के? बच गया ना, मैं बेचारा चप्पल उतार कर घर निकल गया। मुझे लगा चप्पल उतार के गिरी बनती हूँ, और मुझे लग रहा था शायद मैं उनका ब्लॉग बनाऊंगी, फोन भी गिर जाएगा। चप्पल उतार के तो मुझे लग रहा था ग्रिप बनेगी, कि ग्रिप क्या है, तो बिल्कुल ही बच गया सचिन, बिल्कुल बच गया। यही एक प्रॉब्लम है कि बस बारिशों में और ऐसे ना ये चीज आ जाती है और फिसलन हो जाती है। अरे कच्चा हो तो कीचड़ हो जाता है, पक्का हो तो हरी हरी घास सी आ जाती है, छोटी छोटी सी, मतलब वो जो क्या होती है वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, मम्मी बताएंगे, मम्मी से घर जाके पूछेंगे हम कि क्या बोलते हैं। ये हमारे यहाँ का मंदिर है, करके हमने ले लिया अपना सामान क्योंकि हमें बीच में शुभम का कॉल आ गया था, तो हमारा ब्लॉग पूरा बीच में ब्रेक हो गया है और अब हम जा रहे हैं। हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि अभी सचिन को डर लग रहा है कि मैं फिसल गया, फिर तो अब की बार तो मुंह के बल गिरूंगा। तो अब हम जाएंगे आगे वाले रास्ते से जहाँ से मेनली सब आते हैं, हम भी वहीं से आते हैं, यहाँ से हम इसलिए आते हैं कई बार यार, यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी तेज जाती हैं ना, इतनी तेज जाती हैं, तो वहाँ से ही आते हैं यूजुअली, यहाँ से हम मोस्टली तब आते हैं जब हमें इस दुकान का सामान चाहिए हो। और हमें नींबू नहीं मिले, हमने नींबू की जगह नींबू के फ्लेवर वाला कुरकुरे ले लिए। हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सो आज हमारे घर पे नानी माँ आई हैं, तो नानी माँ को हम लेके जा रहे हैं मूवी दिखाने, क्योंकि उनको बहुत शौक है मूवी देखने का। तो आज हम देखने वाले हैं गर्लफ्रेंड बोलो क्या था, ड्रीम गर्ल टू, गर्लफ्रेंड ये रहता है मेरे दिमाग में, इट्स ड्रीम गर्ल टू देखने जा रहे हैं विद नानी माँ। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। चलते हैं, अभी शाम हो रखी है इधर, सो मज़े करेंगे, स्टे ट्यून्ड। सो नानी इज़ हियर। नानी आज कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं आप? कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ड्रीम गर्ल इलांटे में ड्रीम गर्ल टू देखने। ड्रीम गर्ल टू करो, ड्रीम गर्ल टू बोलो, ड्रीम हाँ गर्ल टू सब इकट्ठे बोला, बोलो ड्रीम गर्ल टू। So let's go guys, सारी फैमिली हमारी आ चुकी, पापा भी यहाँ पर हैं। So let's go and watch Dream। कौन सी देखने जा रहे हैं हम मूवी? Let's go। So हम एंट्री ले रहे हैं इलांटे मॉल में, and as usual we are again late for the movie। हमारी गाड़ी खड़ी है D02F02। इन द लेफ्ट मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट थर्ड फ्लोर में, जहाँ जहाँ नानी माँ मिलेंगे मुझे एंड पापा मिलेंगे, क्योंकि नानी को जल्दी ता देते होंगे वहाँ पे, फिर इशू होता है इसलिए। सो लेट्स गो, पापा आगे चल रहे हैं, जो जुला नानी जी यहाँ पर है। हाँ चलो बनवा, फूड कोर्ट और पी वी आर, बहुत ही महंगा भाई साहब, और ये लाटे का पी वी आर का सिनेमा हॉल। जुगाड़ चल रहा है यहाँ पर, हरियाणा सरकार ने
जुगाड़ लाइव हो रहा है। देखिए आप ये कर सकते हैं गाइस, आप ये ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको फोर का कॉम्बो नहीं मिले तो आप किसी भी खरीदा उसके अनहाइजीनिक है थोड़ा, बट मेरे को भी इसी में कोई नहीं। हाँ तो नानी जी कैसी लगी मूवी? ड्रीम गर्ल टू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आया। मम्मी आपको क्या बढ़िया लगी? चलो बोलते। सो गाइस हम आ चुके हैं वापस घर पे, मूवी देख के तो बहुत मजा आया। नानी जी कैसा लगी मूवी? नानी को बहुत बढ़िया लगी मूवी, तो उसे रिव्यू ले ली नानी से, और अच्छी मूवी है, मजाक की मूवी है, जा सकते हैं देखने, फैमिली मूवी है, फन है, ऐसा कुछ नहीं। मॉरल मतलब तो बेसिकली मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे मॉरल दिया या कुछ ऐसा। सो आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।